नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। भारत ने की सिंधु जल समझौते की समीक्षा। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते की समीक्षा के लिए बुलाई बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव एस जयशंकर, जल संसाधन सचिव एवं प्रधानमंत्री कार्यालय के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। गौरतलब है कि उड़ी हमले के बाद भारत में यह मांग लगातार बढ़ रही है कि पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए भारत सिंधु नदी के पानी के बंटवारे से जुड़े इस समझौते को तोड़ दे। ऐतिहासिक 500वें टेस्ट में भारत की शानदार जीत। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने ऑलराउंडर प्रदर्शन की बदौलत न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के पांचवें और आखिरी दिन सोमवार को 197 रन से शानदार जीत दर्ज करते हुए अपने ऐतिहासिक 500वें टेस्ट को यादगार बना दिया। जीत के बाद कप्तान विराट कोहली ने ग्रीन पार्क में मिली बड़ी जीत को यादगार बताया है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने योजनाओं को लागू किया और ऐसे बहुत कम ही मौके आए जब न्यूजीलैंड की टीम ने हमें चिंता में डाला। राहुल गांधी पर फेंका गया जूता। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव के मद्देनजर किसान यात्रा पर निकले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर सीतापुर जिले में जूता फेंका गया। हालांकि राहुल को यह जूता लगा नहीं, जूता फेंकने वाले को हिरासत में ले लिया गया है। जूता फेंकने वाले ने खुद को पत्रकार बताया है। पुलिस ने मुठभेड़ में 3 नक्सली मार गिराए। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव एवं नारायणपुर जिले में हुई पुलिस बल और नक्सलियों की अलग अलग मुठभेड़ों में 3 नक्सली मारे गए। नारायणपुर के पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने बताया कि दोनों नक्सलियों की शिनाख्त तिरुपति उर्फ आकाश निवासी मद्देड़ जिला बीजापुर और लोकेश उर्फ रमेश निवासी तिरकानार थाना धौड़ाई के रूप में की गई है। कोंडागांव जिले में भी एक नक्सली को पुलिस ने मार गिराया। दिल्ली में मलेरिया से 6 लोगों की मौत। दिल्ली में नगर निगम और निजी अस्पतालों में मलेरिया के कुल 564 मामले सामने आए और 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उधर राजधानी में डेंगू और चिकनगुनिया का कहर भी निरंतर जारी है। पिछले एक सप्ताह के दौरान चिकनगुनिया के 1070 तथा डेंगू के 314 नए मामले सामने आए हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।